ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚ ਮੁਰਗਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਲਕਿ 2-3% ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਡਾ ਵਧੀ 90 ਤੋਂ 92 ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਅੱਛਾ अस्सलामुअलैकुम जी अभी हम एक और लुमन के फार्मर के साथ मौजूद हैं ये इन्होंने लुमन जो है ना मुर्गी हमसे ली थी पिछले सीजन और ये अभी तक इसको चला रहे हैं अभी हम इनसे पूछते हैं कि ये किसका बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुर्गे भी अंदर छुड़े हुए हैं सर सबसे पहले अपना नाम और शहर बता दीजिएगा मेरा नाम नवीद है मैं फैसलाबाद से बात कर रहे हैं नवीद भाई अभी आप ये बताइएगा कि आपने लुमन मुर्गी हमसे जब ली थी तो ये किस मंथ में ली थी अभी इसकी कितनी उम्र हो गई है मैंने ये ली थी मई में तो अभी हम मई में ही खड़े हैं मई 2022 में खड़े हैं तो एक साल की ये मुर्गी हो गई है तो नॉर्मली नवीद भाई जब लोग लेते हैं तो उससे अंडा लेके तो मुर्गी को जो है ना वो सेल आउट कर देते हैं तो आपने इसको सेल नहीं किया अभी इसके साथ मुर्गा चला रहे हैं उसकी क्या वजह अभी मैं ऐसी परसेंट है जी देखी है तो वो बिल्कुल ठीक से जो तकरीबन दूसरे माह सेल कर प्लान बनया साडा तो ऐसे फिर इस मुर्गा छड़िया वा तो मुर्गे छड़न का भी यदि परसेंटेज जी है तकरीबन माशाल्लाह ठीक है तो बल्कि 2-3% अगे ना उन्होंने आंडा वधी है मुर्गी मुर्गा छोड़ने के साथ अच्छा नवीद भाई बताइएगा कि जब आपने मुर्गा छोड़ा था तब कितने परसेंट प्रोडक्शन थी और अभी कितनी ये कर रही है सर जी तकरीबन वो तो ऐसी अपना 90 तो 92 ठीक है तो अभी ये कितनी दे रही है ये तकरीबन 93 दे रही है सर जी अच्छा तो आप जो इसका लगवा रहे हैं मार्केट में अंडा वो कितने ग्राम का आ रहा है उसका चूजा कितने ग्राम का निकल रहा है सर जी ऐसी अंडा लगवा रहे हैं तकरीबन 55 तो लेके 60 तक ठीक है जी और उसमें से चूजा कितने ग्राम का निकल रहा है चूजा निकले सर जी 35-36-37 ग्राम एवरेज जी है ना तकरीबन 34-35 ग्राम की आ रही है ठीक है तो क्या ये गोल्डन मिश्री का जो फार्मर है जब आप उसको लुमन का बच्चा दे रहे हैं साथ आपने मैं ऑस्ट्रेलिया आ रही यार छोड़ा हुआ तो वो इसको पसंद कर रहे हैं चूजे को जी सर जी बिल्कुल ठीक है तो आप मतलब इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल पा रहे हैं बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन है तो आप हमारे लुमन के फार्मर्स जो हैं जो नॉर्मली फरवरी मार्च में मुर्गी सेल कर देते हैं तो आप रिकमेंड करेंगे कि क्या उनको भी मुर्गा छोड़ के काम करना चाहिए मुर्गा छोड़ना चाहिए उन्होंने क्योंकि दोबारा मुर्गी पा के चूजा पालना ये माशाल्लाह प्रॉफिट दे रही है तो अपना बेहतरीन है अपना काम करना मुर्गा छोड़ना सही हो गया थोड़ा सा बताइएगा कि आपने जब लास्ट ईयर हमसे चूजा लिया था तो इसका कैसा रिजल्ट रहा था जब आपने चूजा लिया उसके बाद बड़े होने तक अडल्ट अंडे पे आने तक कितने परसेंट बचा था ये सर जी माशाल्लाह रिजल्ट ठीक रहा है तो यदि मोर्टैलिटी जी है ना गोल्डन वाला बहुत घट रही है तो वजन के हिसाब से भी चूजे का वजन भी ठीक से माशाल्लाह मुर्गी की जी है ना ग्रोथ वो तकरीबन बेहतरीन हुई है तकरीबन 4 माह तो पहले आंडा शुरू कर दी थी माशाल्लाह अच्छा 4 माह से पहले अंडा शुरू कर दिया था तो अगर परसेंटेज में मैं बात करूँ तो आपने कितनी चूजे लिए थे और कितने उसमें से बचे सर जी ऐसे चूजा तकरीबन 4000 पाया सी ये तकरीबन साढ़े को लास्ट टाइम 3800 चूजा है 3800 बचा हुआ एक साल बाद में ठीक है इस ड्यूरेशन में आपके चूजे को कोई बीमारी कोई गर्मी सर्दी इस तरह के जो मसाइल थे वो इस मुर्गी का रिजल्ट कैसा रहा लुमन का सर जी गोल्डन नालों बहुत तक रहे हाँ हाँ। गर्मी की बर्दाश्त भी ठीक है तो सर्दी की बर्दाश्त है जो है वा तकरीबन दो मौसम जो है ना वो बेहतरीन जरा ना अपना कंट्रोल हो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये आपने सेमी कंट्रोल किया हुआ जी जी तो ये इसमें ये रिजल्ट अच्छा दे रही है हाँ जी माशाल्लाह बेहतरीन दे रही है क्योंकि सारा मौसम एकदम नॉर्मल रहा वा गर्मियों भी जरा ना गर्मी जरा घट होती है तो टेंपरेचर ठीक रहता तो मतलब परसेंटेज ठीक आ रही है ठीक है नवीद भाई एक चीज बताइएगा कि आपने गोल्डन मिश्री भी इतना अरसा रखी उसमें और इसमें आपने क्या फर्क देखा वो सर जी फर्क तकरीबन काफ़ी देखा क्योंकि वो जी है ना मोर्टैलिटी भी ज्यादा होती है तो आंडे जी है ना परसेंटेज वो तो बहुत घट है यदि तकरीबन 20% ज्यादा परसेंटेज आंडे तो अगर ये अंडा ज्यादा देती है तो क्या फीड भी उससे ज्यादा खाती है नहीं तकरीबन सर जी 5-7 अपना ग्राम जो है ना फीड ज्यादा खाती है तो आंडे की प्रोडक्शन तकरीबन 20% ज्यादा तो आपने जब सीजन में इसका अंडा मार्केट में बेचा था तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला बेहतरीन सर जी सेल माशाल्लाह बेहतरीन है सड़क पर बंदे डिमांड कर देने को भाई ये वजन भी ठीक है कलर भी ठीक है तो सानू अंडा दे तो क्या इसकी पेटी गोल्डन के रेट पे जाती थी नहीं सर जी यदि तकरीबन 800-900 अंडा अपना रेट जा रही है 800-900 रुपये आप ज्यादा इसका चार्ज करते हैं सर जी तकरीबन दूसरे नालों तकरीबन 12-1300 रुपये बाद कुछ बाद हुई है
तो अभी भी आपके जो हेचरी वाले हैं क्या वो खुशी से ही ले रहे हैं इसका अंडा? बिल्कुल अंडा ले रहे हैं, खुशी ना डिमांड बढ़ी है चूजे की। ठीक हो गया। तो बाकी ये बताइएगा कि जब आपने चूजा बुक करवाया ऑर्गेनिक वैली के स्टाफ का, आपके साथ किस तरह का तावन रहा, और आप क्या किसी नए फार्मर को रिकमेंड करेंगे ऑर्गेनिक वैली? हाँ जी बिल्कुल सर जी, उन्होंने चूजा चांद तक उन्होंने बहुत अच्छा तलक रहे, टावर उन्होंने पूरा किया वा, जो सू कोई मसला बनया जो खजाना चूजा मसला बनया उन्होंने फोन किया, सू डॉक्टर से अपना पहुँचाया वा मेडिसन से, जो सू अपना कोई पूछना हो बेहतरीन दस दें मेडिसन के बारे में। तो क्या आप नए फार्मर्स को रिकमेंड करेंगे ऑर्गेनिक वैली? जी बिल्कुल करेंगे सर जी। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप दोबारा डालना चाहें तो क्या आप लुमन दोबारा डालेंगे? बिल्कुल सर जी डालेंगे इंशाल्लाह, ऐसे अगले भरावों को मशवरा देंगे कि तुम पाओ, ब्रीडर बहुत अच्छा है, इसका वजन भी ठीक है, अंडे की परसेंटेज भी ठीक है, मोर्टैलिटी बहुत घट है। बहुत शुक्रिया जी नवीद साहब, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके बिजनेस में जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आप इसी तरह रिस्क हलाल कमाते रहे। शुक्रिया जी। ठीक है।